नमस्कार, इस वक्त बॉलीवुड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। खबर उन चार अभिनेत्रियों के बारे में जो ड्रग के मामले में बुरी तरह फंस चुकी हैं और एनसीबी ने अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वो चार अभिनेत्रियां कौन है, मैं नाम फिर से आपको बता दूं। पहला नाम है दीपिका पादुकोण का और दूसरा नाम है रकुल प्रीत सिंह का। जो तीसरा नाम है वो है श्रद्धा कपूर का और चौथा नाम है सारा अली खान का। ये चार अभिनेत्रियां अब बुरी तरह क्यों फंस गई हैं ये समझिए, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने का मतलब है कि एनसीबी को इनके खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, और अगर सबूत इनके खिलाफ मिल चुके हैं तो इसके बाद इनके ऊपर एक्शन तय मानिए कि ये जेल भी जा सकती हैं। अब एक बार फिर आपको बता दें कि दो नए एफआईआर इस मामले में दर्ज किए गए हैं। जो पहला एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें दीपिका पादुकोण का नाम है और रकुल प्रीत सिंह का नाम है, क्योंकि इससे पहले रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में सबसे पहला नाम आया था रकुल प्रीत सिंह का। तो कल जब समन भेजा गया तो सबसे पहले समन रकुल प्रीत सिंह को ही भेजा गया, और दूसरा नाम है रकुल प्रीत सिंह के साथ साथ जो पहले एफआईआर में नाम है वो दीपिका पादुकोण का है। दीपिका पादुकोण को 25 सितंबर को पेश होना है, रकुल प्रीत सिंह को 26 सितंबर को पेश होना है। एक और बड़ी बात आपको बता दें कि जो दूसरा एफआईआर है उसमें श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का नाम है, यानी इन दोनों अभिनेत्रियों को 26 सितंबर को पेश होना होगा। तो बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में हम आपको दे रहे हैं, और अब यह साफ हो गया है कि एनसीबी जो सबूत जुटा चुकी है, जिन सबूतों के आधार पर इनके खिलाफ, इन चारों अभिनेत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, अब बहुत बड़ी कार्रवाई होगी इसके आगे। हालांकि दो और नाम सामने आ रहे थे, नम्रता शिरोडकर और दिया मिर्जा, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लिखी गई है। इसका मतलब ये कि एनसीबी को उनके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इसका सीधा मतलब है कि एनसीबी को लगता है ऐसा, कोर्ट में वो कितना ठहरता है ये तो अलग बात है, लेकिन एनसीबी को ऐसा लगने लगा है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं कि हम केस दर्ज कर सकते हैं, और इसलिए केस दर्ज करने के बाद अब सभी से पूछताछ होगी। आपको यह भी बात बता दें कि कल का दिन और परसों का दिन, यानी 25 सितंबर और 26 सितंबर इन चारों अभिनेत्रियों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि पहले दिन इनसे तो पूछताछ होगी ही, लेकिन उसके बाद यह भी हो सकता है 26 सितंबर के बाद वो तारीख भी आएगी जब चारों अभिनेत्रियों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी, एक दूसरे ने क्या कहा उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, ताकि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये एनसीबी पता कर सके। एनसीबी ये भी हो सकता है कि इनके फोन को जब्त कर ले, इनके फोन को ले ले और उन फोन को चेक करके, उनके डेटा को रिट्रीव करके या कुछ चैट्स रिट्रीव करके कुछ और अहम जानकारी निकाल ले, जैसा कि अभी हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती के साथ हुआ, उनके लैपटॉप, उनके टेलीफोन, उनके फोन सारे पहले जब्त किए गए, उसके बाद उनसे चैट रिट्रीव हुए। जया साहा के साथ यही हुआ, उनके फोन से चैट रिट्रीव किए एनसीबी ने, और अब इसी आधार पर इन चारों अभिनेत्रियों के फोन भी हो सकता है कि एनसीबी जब्त कर ले और उनके चैट्स को रिट्रीव करके कुछ बड़ी जानकारियां हासिल करने की कोशिश करे, और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए बड़ी मछलियां जल्द ही गिरफ्त में होंगी।